कंसेप्ट के ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको किस तरीके से आप लोग जो है विनजिप की फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, अनजिप कर सकते हैं और इसको जो है क्रिएट करने के बाद अनजिप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जिप कैसे कर सकते हैं और जिप करने के बाद अगर आप उस पर पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहें तो पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए भी मैं तरीका बताऊंगा और साथ साथ जो है अगर जिप हुई भी फाइल है तो उसको अनजिप कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके लिए आपको विनजिप को इंस्टॉल करना जरूरी है। अगर आपने मेरी विनजिप इंस्टॉलेशन के न्यू फीचर से वीडियो नहीं देखी तो वो आपको डाउनलोड लिंक जो है स्क्राइब बटन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेगा, ठीक है। तो वहां से आप लेटेस्ट वर्जन की विनजिप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर इसके बाद मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक फाइल है, इस फाइल को मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कन्वर्ट करूँ, मैं इसको जिप करूँ। इस फाइल को एक वर्ड की फाइल है तो आपने क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ऐड टू विनजिप और इस फाइल का नेम आ गया, इस पर क्लिक कर देना। सिंपली आपके पास ये फाइल क्रिएट हो जाएगी जिप के अंदर, ये आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा होगा विनजिप डेमो के नाम से, ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि किसी जिप फाइल को, जैसा कि जिप आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको आपने अनजिप करना है तो सिंपली आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। जहाँ पे आप करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर लें, या फिर अगर आपको यहीं पे ही एक्सट्रैक्ट करना है जिस लोकेशन पर भी मैं हूँ तो एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर दें, तो ये यहीं पर ही, क्योंकि ऑलरेडी ये फाइल हुई भी है तो इसलिए मुझसे पूछ रहा है कि रिप्लेस कर दो इस फाइल को या नहीं कर दें। बल तो इस तरीके से होता है, आपको समझ ना आए मैं इसको एक्सट्रैक्ट फाइल्स करके एक नए फोल्डर बना के जो है आपको अनजिप करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम अभी डेस्कटॉप में आ जाते हैं। डेस्कटॉप में आने के बाद न्यू फोल्डर कर देते हैं, यहाँ पे विनजिप डेमो, वन के नाम से, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है विनजिप डेमो वन और इसके अंदर जो है आपको नजर आ रहा होगा ये फाइल जो है अब अनजिप हो चुकी है। तो मैंने आपको फाइल से जिप करने का तरीका बता दिया और जिप फाइल से अनजिप करने का तरीका भी बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी फाइल के ऊपर पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने विनजिप ओपन कर लेना है, ठीक है। विनजिप ओपन करने के बाद आपने सिंपली जो भी फाइल पे आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उस फाइल को आपने ट्रैक करना है इस विनजिप के ऊपर, ठीक हो गया। इस फाइल का मैं पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैंने ये ट्रैक करा। जैसे आप ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे आपने आर्काइव नेम देना है, नेम देने के बाद फिर आपने जो है सारी चीज़ें एज इट इज रहने देनी है, ठीक है। आपने नेम देना है, नेम देने के बाद आपने जैसे सेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पासवर्ड दे देंगे। तो पासवर्ड देने का मकसद क्या है कि आपकी जो ये फाइल है जब तक आप इस पर पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये ओपन नहीं होगी, फिर आपको पासवर्ड से ही इसी फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड इस तरीके से फाइल को बना सकते हैं विनजिप के अंदर। तो मैंने आपको तीन तरीके बताए किस तरह से फाइल को जिप करना है, किस तरह से फाइल को अनजिप करना है और किस तरीके से पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना है फाइल को। बेसिकली काफ़ी आसान तरीके हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे इनके बारे में बट काफ़ी सारे लोग नहीं भी जानते होंगे तो उनकी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो को बनाने का। मकसद मेरा यही था कि मैं इसमें जो है तीनों तरीके बताऊँ, पासवर्ड प्रोटेक्शन, जिप करना और अनजिप करना। उम्मीद है आज की वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं तभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।